वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर और सिस्टम का 10वां भाग। पिछले जो है वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 162 तक कंप्लीट करा चुके थे, तो आज जो है हम 163 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें एक बार शेयर कर दें। आशा है सभी ने शेयर कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि राम के पास 5 हरे गेंद है और इतनी लाल गेंद है, उसके संग्रह में लाल गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की 1/2 और नीली गेंदों का 1/3 है, तो कुल कितनी गेंद है। देखिए राम के पास 5 हरे गेंद है और उतनी ही लाल है, यानी हरे को हम ग्रीन से लिखते हैं, ग्रीन 5 है और रेड यानी आर और रेड भी कितना ही है, 5 ही है। उसके संग्रह में लाल गेंदों की संख्या जो है यानी आर जो है किसके सफ़ेद गेंदों के यानी वाइट के 1/2 है। तो देखिए यहाँ वाइट निकल गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो आर का मान दिया हुआ है 5, तो डब्लू बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो आर है, फिर दूसरा में कह रहा है लाल गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों का 1/2 और नीली गेंदों का, नीली यानी ब्लू गेंदों का 1/3 है, तो अब ब्लू गेंदों की संख्या निकल जाएगा क्योंकि आर का मान हमें पता है 5 × 35 = 15। अब जो कुल गेंद कितने होंगे, जी प्लस आर प्लस डब्लू प्लस बी। जी का कितना है 5 + 5, डब्लू 10 = 15, 5 × 5 = 10, 10 × 10 = 20, 20 × 15 = 35। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 164। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने किसी चुनाव में प्रतिद्वंदिता की, 3/5 मतदाताओं ने ए के पक्ष में वोट डाला जो कि बी से 200 अधिक वोटों से विजय हुआ, जबकि 1/3 मतदान ने बिल्कुल वोट नहीं डाला, तो 1/3 अगर वोट नहीं डाला है तो वोट कितना डाला, वोट डालने वाले की संख्या। टोटल 3 भाग है जिसमें 1 भाग वोट नहीं डाला, तो 2/3 भाग जो है वोट डाला होगा। अब कह रहा कि ए जो है बी से कितना 200, यानी एक की बात करें, एक है 3/5 तो दूसरा हो जाएगा 2/5, और इसी का अंतर दिया हुआ है 200, और ये 200 कौन जो वोट डाला है, तो ये कॉमन में आ जाएगा। अब 2/3 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/5 = 200, ये कट जाएगा नहीं, 1/15 = 100, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी 1500, टोटल एक ही भाग होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, किसी विद्यालय में छात्राओं का 1/5 तथा छात्रों का 1/8 सामाजिक कैंप में भाग लिया, तो विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थियों ने सामाजिक कैंप में भाग लिया। अब देखिए 5 छात्राओं में 1 छात्र और
आठ छात्रों में एक, यानी टोटल कितने हो गए, दो, कितने टोटल 8 बटा 13 में, यानी यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, चलिए इसको सॉल्व करें। कह रहा कि यदि एक एनसीसी परेड में कैंडिडेटों को 45 की पंक्ति में खड़ा किया गया और उससे 18 पंक्तियाँ बनाई गई, 45 की पंक्ति में, तो टोटल कितने हो गए, 45 गुने 18। अब कह रहा 30 कैंडिडेट ही पंक्ति में खड़े की जाए, यदि केवल 30 कैंडिडेट खड़े जाए तो कितनी पंक्ति, तो 30 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 छक्का और ये 5 छक्का, 45 नतीजा 27 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167। एक समान आकार के 4 कार्टूनों में 72 पुस्तक पैक हैं, तो 288 पुस्तकों को पैक करने के लिए इस आकार के कितने कार्टून चाहिए। अब देखिए 72 बुक बराबर कितने कार्टून, 4 कार्टून, ठीक है, 4 सी लिख दिया हमने कार्टून, तो एक बुक बराबर 4 कार्टून बटा 27, तो कितने बुक का निकालना है, 288 बुक बराबर कितने कार्टून, 4 बट्टा 27 गुने 288, और ये कटेगा, 27 नहीं, यहाँ पे 72 है ना, यहाँ भी 72, 72 चौका ये कट जाएगा, चार ये हो जाएगा, और ये 4 चौका 16, 16 तो ऑप्शन में दिया हुआ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 168, किसी हॉल में कुर्सियों की 20 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सी है, यदि दो पंक्ति में 30 कुर्सियाँ हों, दो पंक्ति में 30 कुर्सियाँ हों तो हॉल में कुल कितनी कुर्सियाँ, देखिए ये भी है, अब दो पंक्ति में कितने हैं, 30 कुर्सी है, तो एक पंक्ति में 30 बटा 2, ठीक है, तो 20 पंक्ति में, आसान है ना, 300 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट 169, बाल्टी पी की क्षमता क्यू की क्षमता की दुगनी है। अब देखिए ये वर्क ऑन एफिशिएंसी वाला जो है ये क्वेश्चन है, एक पी है और एक क्यू है, हमने मान लिया पी की क्षमता जो है क्यू की दुगनी है, यानी इसकी क्षमता एक है तो इसकी दो है। अब किसी ड्रम को भरने में 60 बाल्टी पी, 60 बाल्टी सी, यानी 60 हमने बढ़ा दिया, पी जो है कि ना 60 बाल्टी पी का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों प्रकार की, तो यहाँ पे अगर टोटल वर्क निकाला जाए तो टोटल वर्क क्या होता है, दक्षता गुने एफिशिएंसी गुना करते हैं, टोटल हो जाएगा 120 करेंगे ना, 2 गुने 60, तो ये हो जाएगा 60, ये तो है ही 120, तो ये हो, ये कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, 120 में 1 से भाग करेंगे तो 120 ही आएगा। अब कह रहे दोनों प्रकार की बाल्टियों की आवश्यकता होगी, तो देखिए 120 कितने बाल्टी, इसकी दक्षता कितनी है 2 और इसकी 1, यानी टोटल 3 एफिशिएंसी और भाग कर देंगे तो हमारा राइट आंसर होगा 40। इस तरह के टाइप जो है आप वर्क, ये जो कार्य और समय जो है, वर्क एंड टाइम में पढ़ा होगा,
तो अगर वो चैप्टर आपने अभी नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, कार्य और समय का जो है ये जो है प्लेलिस्ट में ये चीज़ें बताई गई है। 170 है कि पानी की 12 बाल्टी बाल्टियों से भरी टंकी भरी जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। 12 बाल्टी, एक बाल्टी में 13.5, तो 12 बाल्टी में ये टोटल हमारी कैपेसिटी आ गई। अब 9 लीटर क्षमता वाली से भरी जाएगी तो ये तो नीचे आएगा, 35वां से 1.5 कट गया, अब गुना कर दीजिए तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 171 आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी इस पैनल पे जुड़े हैं एक बार अपने पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे जो है वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 कहते, एक आदमी के पास कुछ सेब थे, इनमें से आधे और एक अधिक सेब वह अपने पहले बच्चे को देता है, बचे हुए सेब के आधे और दो अधिक सेब वह दूसरे बच्चे को, इसके बाद बचे हुए सेब के आधे और तीन अधिक वह तीसरे बच्चे को, अंततः उसके पास 15 सेब बचते हैं, यह बताएं कि उसके पास शुरुआत में कितने सेब। तो इसको जो है हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कितने सेब बचे हैं, 15 बचे हैं ना, 15 बचे हैं, कितने अधिक हो रहे थे, तीन अधिक कह रहे हैं ना, आधे और तीन अधिक, यानी यहाँ पे तीन अधिक किया तो आधा करे तो यहाँ दूसरे गुना करेंगे, 15 3 18 यानी 36 हो गया। अब फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ऊपर में दो अधिक तो 36 और दो हो गया, और ये भी आधे गुना दो से यानी 36 कितना हो जाएगा, 36 2 38, 38 में दूसरे गुना करेंगे तो 76। अब 76, अब इसमें क्या कह रहा है, एक अधिक, एक अधिक तो एक जोड़ेंगे और फिर दो से गुना करेंगे, यानी 77 दूनी 154 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर की दर से जल रही है, एक अन्य 5.12 सेंटीमीटर मोमबत्ती 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है, कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियाँ की लंबाई एक समान होगी। तो देखिए दोनों इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये इन दोनों को जो है दर निकाल देते हैं पहले, 8 × 2 × 3 कितना, 8 × 16 = 48 हो गया, और इसकी 5 × 10 = 11 / 2 × 3 × 2 दो कट गया यानी 33। अभी 48 और 33 का एचसीएफ निकालेंगे तभी तो दोनों मोमबत्तियों की लंबाई समान होगी। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, 16 × 3 और 11 × 3 तो जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, तो 3 घंटे हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि बम्बई में 1952 में रेडियो की संख्या टेलीविज़न से दोगुनी थी, चलो हम टेलीविज़न को टी और एक्स मान लेते हैं और रेडियो की संख्या 2x, ठीक है। 1952 तक 200 और टेलीविज़न खरीदे जा चुके थे, यानी पहले ही उसने खरीदे जा चुके थे क्या, टेलीविज़न यानी एक्स प्लस 200 खरीदे जा चुके थे पहले, फिर भी रेडियो की संख्या टेलीविज़न की संख्या 40 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर जो है 40 होगा, यानी 2x − x + 200 = 40। ये 2x में से x घटेगा तो x, और ये −200 इधर आके 40 + 200 हो जाएगा, x = 240 हमारा राइट आंसर।
तो 1952 में बम्बई में रेडियो की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 240 क्या आया? टेलीविजन आया ना, 240 रेडियो की संख्या निकाला है ना, रेडियो की संख्या 2x, यानी इसमें 2 से गुना, 2x का मतलब यानी 480 हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। करेक्ट, एक बस कंडक्टर 20 वापसी टिकट तथा 15 सामान टिकट बेचता है, कुल 450 रुपये प्राप्त करता है, तथा दूसरी बार 15 वापसी तथा 20 सामान टिकट बेचकर 425 रुपये प्राप्त करता है, तो दोनों टिकट का मूल्य ज्ञात करें। देखिए, वापसी वाला को हम एक्स लिखते हैं और जनरल यानी सामान वाला को वाई, तो 20x+15y बराबर हो जाएगा 450, और यहाँ 15x+20y बराबर हो जाएगा 425। अब इन चारों को जो अगर एक्स और वाई का मान निकालेंगे ऐसे तो टाइम लगेगा, तो आप इनमें से ऑप्शन रख के जो है हल कर सकते हैं। अगर आप ये एक्स का मान 9 रखते हैं तो 180 हो जाएगा, और ये 8, 15 8 20 से जोड़ेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा, 300 आ जा रहा है, 450 आना चाहिए। 15 रख के देखते हैं, 15 अगर एक्स की जगह पर रखेंगे तो 300, और ये हो जाएगा 150, तो आ गया 450। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। इस तरह के क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से थ्रू हम बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175। अब यहाँ पे कह रहा है कि दौलत भाई ने 200 रुपये रसिक लाल से लिए और उसे 120 रुपये लौटा दिए। अब दोनों के पास समान राशि है, पहले किसके पास कम धनराशि थी और कितनी थी? देखिए, दौलत भाई को हम एक्स मान लेते हैं और रसी को हम वाई मान लेते हैं। तो दौलत भाई ने 200 रुपये लिए, यानी पहले उसके एक्स था, फिर 200 उसने लिए और फिर उसने 120 लौटा दिए। ठीक है, अब रसिक लाल के पास क्या बचा भाई? तो रसिक लाल के पास वाई थे ना, उसने 200 दौलत को दिया तो माइनस कर दिया, फिर दौलत भाई ने उसे लौटा दिया, था ये 120 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, एक्स और ये बराबर किधर जाएगा? तो माइनस में आएगा, और ये देखिए, ये 200 माइनस में है और ये वाला 200 इधर जाएगा, तो माइनस 200 और प्लस 120 तो है ही, और इधर वाला माइनस 120, इधर वाला प्लस 120 हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर -400 + 240। अब एक्स माइनस वाई बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा? 160। ये कितना? -160। यानी पहले किसके पास कम धनराशि थी और कितनी थी? तुम्हारा राइट आंसर दोनों में जो है कितने का डिफरेंस था? 160 का। तो ऑप्शन में तो 160 दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो हमारा राइट आंसर होगा। आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें एक बार शेयर कर दें, ताकि जो है हम इस तरह के वीडियो जो है हमेशा आपके लिए लाते रहें।